हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुआ, जिसे हम बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। और इस पुआ को बनाने के लिए ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोआ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। पुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 छोटा कटोरी मैदा लिया है, 2 कुटी हुई छोटी इलायची हम इसमें डाल देंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रखे थे, उसे हम डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, पिस्ता, काजू, बादाम सबको हल्का हल्का तोड़ लिया था। आप यहाँ पे अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसमें दूध ऐड करेंगे इन सबको मिक्स करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा ग्लास दूध लिया है। पहले हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इन सबको विस्कर की सहायता से मिक्स करेंगे। और फिर बचे हुए दूध को भी हम इसमें डाल करके मिक्स करेंगे। उसके बाद भी अगर बैटर हमें अच्छे से मिक्स हुआ नहीं दिखेगा तो हम इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे। मतलब 1 ग्लास हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है और 1/2 ग्लास पानी का। आप चाहिए तो यहाँ पे पूरा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे। गेहूं का आटा डाल देने से मालपुआ जो है, जब हम इसे तेल में डालते हैं तलने के लिए, तो वो चारों तरफ फैलता नहीं है, ये अच्छे से बंधे रहता है और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पुआ के अंदर बहुत ही अच्छी क्रंचीनेस आती है। तो इसके लिए हम गेहूँ का आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। आटा डालने के बाद से हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें दूध के ऊपर की मलाई डाल देंगे। ये देखिए, मलाई डालने के बाद एक बार मिक्स कीजिए और ढक करके आप इस बैटर को 2 से 2.5 घंटे तक छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए भी फुला करके छोड़िए ज़रूर। इससे पुआ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने इस बैटर को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, 2 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद से हम इसे अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारा पुआ का बैटर जो है वो रेडी है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने। तो इसे फ्राई करने के लिए आप इस तरीके का एक कलछुल का इस्तेमाल करें या फिर घर में छोटी कटोरी हो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो आप पुआ को फ्राई करने के लिए शुद्ध घी, रिफाइन ऑयल या डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल जो है वो अच्छे से गर्म है, इसका यही पहचान होता है कि जब हम पुआ के बैटर को तेल में डालेंगे तो वो खुद ब खुद ऊपर आने लगा है। तो ये देखिए, तेल जो है वो अच्छे से गर्म है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और उसमें एक एक करके पुआ के बैटर को डालते जाएंगे। सही तरीके से पुआ बन रहा है इसका यही पहचान होता है कि जब हम इसके बैटर को तेल के अंदर डालेंगे तो वो खुद ब खुद ऊपर आने लगता है, बिल्कुल बॉल की तरह। तो हम इसे दबा दबा करके कलछी की सहायता से ये देखिए चारों तरफ से पका लेंगे। लेकिन पुआ को बनाने के समय गैस का फ्लेम जो है उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाएं। आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पकेगा और एक बहुत ही सुंदर कलर तैयार होगा इसका। तो पुआ को मैंने दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट करके पका लिया है। तो अब इस तरीके से कलछी की सहायता से हम दाबेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है। इसके साइड साइड से ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लावर की तरह इसका डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ है। तो पुआ जो है वो हमारा रेडी है। तो इसी तरीके से हम सारे पुआ को तल करके तैयार कर लेंगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।